आज की वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालें। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, ये तो हम सबको पता ही है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर होता है 49। 8 का स्क्वायर होता है 64। 9 का स्क्वायर होता है 81। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। ये हम सबको आता होता है। अब आते हैं 11 का स्क्वायर हम कैसे निकालें। 1 का जो हमारा फर्स्ट टर्म लिखी हुई है उसका स्क्वायर 1 हो गया, फिर 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। फिर हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 1। उसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या आया? 2। वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ये कौन सी वाली होंगी हमारी, जिसमें सिर्फ एक ही एक आएगा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, लेकिन जब हमारी दो डिजिट आ जाएगी तो वो चेंज हो जाएगा। अब आप देखो इसका क्या हो गया, 121। अब आते हैं 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करोगे, 2 वन ज़ा 2, 2 को जो हमारा आया उसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या आएगा? 4 यहाँ लिख देंगे। यही हो गई हमारी 12 का स्क्वायर। अब आते हैं 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 3 को 3 से करोगे 9, 3 वन ज़ा 3, जो हमारा आया उसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या आ जाएगा? 6, 169। ये हो गई हमारी 13 तक। अब आते हैं 14 पे। 14 का 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। अब हमारी आ गई है दो डिजिट वाले, तो इसमें हमारा चेंज हो जाएगा। अब देखना कैसे करेंगे, 4 का 16 हो जाएगा, 4 वन ज़ा 4, मल्टीप्लाई 2 से कर दो 8। अब जो हमारा 8 आएगा वो हमारा ना फर्स्ट वाली डिजिट पे आएगा ना लास्ट वाली पे, वो आएगा बीच वाली पे, तो क्या आ जाएगा? 6 का 6, 8 और 1 9, 1 का 1, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ गया, 196। अब चलेंगे 15 पे। 15 का हमारा हो जाएगा, 15 का होल स्क्वायर 1 का 1, 5 का 25, 5 वन ज़ा 5, उसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या आएगा? 10। तो हमारा बन जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो 5 का 5, 2 और 0 को प्लस करोगे 2, 1 और 2 को करोगे 225। 15 का क्या आ जाएगा हमारा, 225। अब चलते हैं 16 पे। 16 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 6 का करोगे 36, 6 वन ज़ा 6, उसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या आएगा? 12। 6 का 6, 3 और 2 5, 1 और 1 2, ये कितना हो जाएगा, 256। अब चलते हैं 17 पे। 17 का होल स्क्वायर 1 के 1, 7 का 49 हो जाता है, 7 वन ज़ा 7, उसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या आ जाएगा? 40। 9 का 9, 4 और 4 8, 1 और 1 2, 289। अब आते हैं 18 पे। 18 का कैसे करेंगे, सेम चलेगा, 1 का 1, 8 का 64, 8 वन ज़ा 8, मल्टीप्लाई कर दो 2 से 60, 4 का 4 प्लस कर देंगे 6 और 6 12, 1 ऊपर 3 24। अब आते हैं 19 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 9 का 81, 9 वन ज़ा 9, मल्टीप्लाई 2, 18। 1 का 1 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 361। अब आते हैं 20 पे। 20 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तब भी 0। तो जब भी हमारी दो टर्म आती है सिर्फ, तो हम उसके मिडल में एक और टर्म लगा देते हैं, जो हो जाएगी 0। यहाँ हमारा होता है कंप्लीट। अब आगे से हम करेंगे 21 से।